तो टीसा के आप ये वर्कशॉप में ऐसी कोई तीन महत्व की चीजें बताएं जो यहाँ पर आप सीखे हैं। जो टीसा है, इंडियन स्टेमिंग एसोसिएशन, उसमें मैंने सीखा कि सबसे पहले तो अगर आपको स्टेमिंग प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो मतलब आप किसी के सामने बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं कि कोई भी आपका आपका फ्रेंड है, आपके सामने खड़ा है, आप क्या करते हैं कि अपनी स्टेमिंग को छुपाने के लिए आप बोलते नहीं हैं या फिर कम बोलते हैं, या फिर उसको छुपाने के लिए आप बिल्कुल चुप रहते हैं, और जिसके चक्कर में आपका जो स्टेमिंग होती है वो हो जाती है। मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीखा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि जो आपका फ्रेंड है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको पहले ही पता होगा कि हाँ जो मेरा फ्रेंड है वो स्टेमर करता है, तो वो थोड़ा देर से बोलता है कि जैसे नॉर्मल पर्सन 15 सेकंड में कोई बात बोलता है तो मेरा फ्रेंड 25 सेकंड में बोलता है, तो क्या हुआ, तो वो मतलब कम्युनिकेट तो अच्छे से कर ही रहा है, अपना मैसेज तो अच्छे से दे ही रहा है ना। सेकेंड थिंग जो अपनी स्पीड है, जो जो लोग स्टेमर करते हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है नॉर्मल पेपर से, वो मैंने यहाँ पे सीखी कि उस स्पीड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे जो हमारे हमारे माइंड जो पीपल स्टेमर करते हैं उनके माइंड में क्या होता है कि रैपिड थॉट्स आते हैं और वो सोचते हैं कि उन रैपिड थॉट्स को एकदम से हम बाहर निकाल दें, एकदम से उनको बाहर निकाल दें, लेकिन हम जो हम लोग स्पीड को स्लो कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, उससे जो हमारे रैपिड थॉट्स हैं, जो हमारा माइंड है, वो भी शांत हो जाता है एकदम से, और शांत होकर और जो हमारे जो थॉट्स हैं वो एक एक करके हमारे बाहर आएंगे। और थर्ड जो हमारा फियर है, हमारे शेम है कि हम स्टैमर करेंगे तो सब क्या सोचेंगे कि जो सामने वाला बंदा वो तो स्टैमर कर रहा है, वो तो हकला रहा है। मैंने यहाँ पे आके सीखा कि अगर हम ये सब कुछ करते हैं, जैसे डॉक्टर सचिन ने उन्होंने हमें सिखाया कि बाउंसिंग करो, प्रोलोंगेशन करो, कि जो वर्ड है उसको थोड़ा लंबा लंबा स्ट्रेच कर दो उसको, तो उससे क्या होगा कि हमारी स्पीड भी कंट्रोल होगी और जो हमारा सामने वाला इंसान है उसको हम अपनी बात अच्छे से उसको हम अपनी बात अच्छे से समझा भी पाएंगे, कम्युनिकेट भी कर पाएंगे अपना मैसेज। अच्छा, तो आपका स्टैमिंग के तरफ का नज़रिया कितना बदला है इस वर्कशॉप में आने के बाद? जब मैंने एक्चुअली बात किया है, मुझे स्टैमिंग कुछ लोगों को होता है कि स्टैमिंग चाइल्डहुड से होती है, तो शायद मुझे भी चाइल्डहुड से थी, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मुझे पता नहीं लगा या मैंने ध्यान नहीं दिया इतने अच्छे से। मुझे 8th क्लास में पता लगा था कि हाँ मुझे कुछ है, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने 9th 10th में कुछ डॉक्टर को दिखाया, इतना अच्छा मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया और मैंने कुछ ना किया, मैंने कोई टेक्निक्स नहीं यूज की, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। फिर हाई स्कूल में 11th 12th मैंने की, तो मैं ऐसे ही निकल गया, मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की। जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे क्या हुआ कि जब मेरे कॉलेज में वाइवा जो होते हैं, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, उसमें मुझे प्रॉब्लम आने लगी। मैं तो क्लास बंक कर लेता या फिर काफ़ी मुझे ब्लॉक्स आते जिससे मैं नर्वस हो जाता और अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, और मेरे मन में एक क्या बोलते डर बैठ गया था कि हाँ अगर मैं कुछ बोला या फिर मेरी स्टैमिंग होगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे तीसरा में आने के बाद सीखा कि जो अपनी स्टैमिंग है उसको एक्सेप्ट कर लो, लोगों को बता दो कि हाँ मैं स्टैमिंग करता हूँ, तो क्या हुआ, जो लोग स्टैमिंग करते हैं क्या वो अपनी बात अच्छे से समझा नहीं सकते, अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते? तो मैंने यहाँ पे आके सीखा कि जो अपने अंदर का डर है वो निकाल दो, क्योंकि जो स्टैमिंग होती है वो 98-90% जो हमारे मन में डर होता है उसी की वजह से होती है, और जो जो 1% होती है वो हमारे जीन्स हेरिडिटी के उससे होती है। तो अगर हम डर निकाल देंगे तो हमारी 98% हमारी रिमूव हो जाएगी, और जो 1% है वो किसी को भी हो सकती है। कोई भी अपनी बात को कम्युनिकेट करते हुए बीच में थोड़ा सा पोज ले सकता है, कोई रुक सकता है, तो इसमें वो अपनी कोई ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाए। अगर हम ये सब टेक्निक यूज करते हैं जो टीसा में मैंने सिखाई है, तो हम अपने स्टैमिंग को 98-90%
हम क्योर कर सकते हैं।